डिजिटल युग के रक्षक यानी साइबर सिक्योरिटी में प्रगति की एक झलक। आज मैं आपको बताऊंगा साइबर सिक्योरिटी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक हलचल भरी टेक लैब जटिल डेटा और कोडों की लाइनों को प्रदर्शित करने वाले मॉनिटरों से भरी हुई है। एक युवा साइबर सुरक्षा विश्लेषक चलोए नाम है जिसका संदिग्ध गतिविधि का पता लगाते हुए स्क्रीन को ध्यान से स्कैन करती है। आज की हाइपर कनेक्टेड दुनिया में हमारे डिजिटल जीवन लगातार खतरे में है। हैकर्स छाया में दुबकते हैं, कमजोरियों का फायदा उठाने और हमारी डेटा चुराने का इंतजार करते हैं। लेकिन डिजिटल युग के अग्रिम पंक्ति है साइबर सुरक्षा के पेशेवर। तो चलोए, तेजी से टाइप करना। हम यहाँ एक परिष्कृत हमले का सामना कर रहे हैं। वे उन्नत एन्क्रिप्शन का उपयोग कर रहे हैं, अपनी गतिविधियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, खतरे में विकसित हो रहे हैं, अधिक परिष्कृत और विविध बन रहे हैं। पारंपरिक तरीके अब पर्याप्त नहीं है। अब हमें साइबर सिक्योरिटी से बचने के लिए हमें हाइपर लेवल का जो है सिक्योरिटी चाहिए। तो एक कॉन्फ्रेंस रूम जहां चलोए अनुभवी साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम के सामने अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करती हैं और वो कहती हैं, जो चलोए हैं साइंटिस्ट हैं, डेटा साइंटिस्ट, वो कहती हैं हमें बड़ी मात्रा में डेटा का एनालिसिस करने और वास्तविक समय में विसंगतियों की पहचान करने के लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिदम तैनात करने की आवश्यकता है। मान लिया गया एआई मनुष्य की तुलना में तेजी से उभरते खतरों की भविष्यवाणी और अनुकूल कर सकता है। तो साइबर सिक्योरिटी के लिए जो है हमें हाई लेवल के लिए सिक्योर होने के लिए हमें मशीन लर्निंग भी सीखना जरूरी होगा। लेकिन हम केवल तकनीक पर ही निर्भर नहीं रह सकते। रणनीति विश्लेषण और निर्णय लेने के लिए मानवीय विशेषज्ञता महत्वपूर्ण है। साइबर सुरक्षा यानी साइबर सिक्योरिटी एक सहयोगात्मक प्रयास है जिसमें आधुनिक तकनीक और मानवीय सरलता के बीच तालमेल की आवश्यकता है। तो अब हमें अपना सिस्टम या हमें अपना मोबाइल सिक्योर करने के लिए हाई लेवल पे हमें सिक्योरिटी के बारे में सीखना चाहिए और मशीन लर्निंग तो हमें आना ही चाहिए। तो एक विभाजित स्क्रीन, जैसे कि एक कोई स्क्रीन है उसको डिवाइड कर दिया गया है। एक स्क्रीन तरफ चलोए और उसकी टीम अपने कंप्यूटरों पर काम करती है, प्रतिवाद करते हुए रणनीति बनाती है और तैनात करती है। दूसरे तरफ हैकर्स एक अंधेरे कमरे में काम करते हैं, उनके चेहरे छाया में छिपे होते हैं। साइबर अपराध यानी कि साइबर लेवल का चोरी। साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई के समय के खिलाफ लगातार दौड़ रहे हैं। जैसे कि हैकर्स नए हथकंडे विकसित करते हैं, वैसे ही साइबर सुरक्षा पेशेवरों को भी करना चाहिए। पेशेवरों यानी एक अच्छे हैकर्स यानी गुड हैकर्स होते हैं वो। तो हम लगातार सीख रहे हैं, अनुकूलित होते जा रहे हैं, नवाचार करते रह रहे हैं, हमें उन्हें जीतने नहीं देना है। जीरो ट्रस्ट नेटवर्क से लेकर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तक हमें डिजिटल बचाव के लिए मजबूत करने के लिए नए अग्रिम प्रयास सामने आ रहे हैं। एक कक्षा साइबर सुरक्षा कार्यशाला में उत्सुकता से भाग लेने वाले छात्रों से भरी हुई है, लेकिन लड़ाई तकनीक के साथ खत्म नहीं होती। व्यक्तियों को शिक्षित और सशक्त बनाना अधिक सुरक्षित डिजिटल परिदृश्य बनाने की कुंजी है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित होना चाहिए यदि हम डिजिटल हैकरों से और अटैकर्स से बचना चाहते हैं। तो जोखिमों को समझकर और सुरक्षित ऑनलाइन आदतों का अभ्यास करके हम सभी अपने स्वयं के साइबर सुरक्षा में सक्रिय भागीदार बन सकते हैं। तो आजकल जो है बहुत ही डेटा के चोरी हो रहे हैं, किसी के बैंक अकाउंट हैक हो जा रहे हैं या फिर किसी का मोबाइल हैक हो जा रहा है, किसी का बड़ा सिस्टम है, बिजनेस है, वो हैक हो जा रहा है। तो इसके लिए बस हमारे पास एक ही उपाय होगा, तो वो है ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा। हमें शिक्षा लेनी चाहिए, और कैसी शिक्षा, और वो हमें है कि कंप्यूटर के बारे में हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए अगर हम अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं। तब यानी आज की इस जीवन में कोई भी सिक्योर नहीं है। जो व्यक्ति फोन चला रहा है वो कभी सिक्योर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी ईमेल आईडी गूगल कंपनी के पास, सबके पास उसकी डेटा रहती है।
तो आजकल जितने भी लोग फोन चला रहे हैं कोई सिक्योर नहीं है। तो इसके लिए अपने सिक्योरिटी के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित होना और कंप्यूटर के बारे में ज्ञान प्राप्त करना बहुत ज़रूरी होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये रहा हमारा पूरा साइबर सिक्योरिटी का एक छोटा सा वीडियो, और मुझे शायद आप लोग को अच्छा लगा होगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि जो है मैं यहाँ पर नई नई हमेशा टेक्नोलॉजी के बारे में एवं जितने भी सिक्योरिटी है साइबर लेवल की या जो भी टेक्नोलॉजीज आती हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट जरूर करें, और लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। यदि आप बेल आइकन दबा देते हैं तो मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी, जिसमें कि मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें और टेक्नोलॉजी की बातें बात करता हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यहीं पर मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।